Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the subject of marketing, and we are going to discuss about all the modules in one chapter. So first is the introduction of marketing. इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग में से कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान से प्रिपेयर करने हैं. इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें. जैसे एक क्वेश्चन आपको मार्केटिंग के ऊपर पूछा जाएगा, तो डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स पूछा जा सकता है. डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस पूछा जा सकता है. तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह लिखा है, आप फीचर्स और उसका भी ओवरव्यू लेके रखें. तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर मार्केटिंग रिसर्च जो है, मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके कंपोनेंट्स जो है वो डेटा माइनिंग, वो सब आपको ध्यान में रखना है. तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर. तो वन क्वेश्चन विल बी एक्सपेक्टेड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो देखो, अगर हम ओवरऑल इस चैप्टर नंबर वन की बात करें, तो एक क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर पे आ सकता है, एक क्वेश्चन मार्केट सेगमेंटेशन पे भी पूछा जा सकता है. तो वो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन को आप ध्यान से पढ़ के रखें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. एक क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ MIS के ऊपर बन सकता है, एक क्वेश्चन आपके डिफाइन मार्केटिंग इंपॉर्टेंस के ऊपर बन सकता है. यूजुअली पेपर में तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनमें से ही आपको क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इन दिस मॉड्यूल नंबर वन, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग. वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केटिंग रिसर्च ऑल्सो, एक ओवरव्यू लेके रखें मार्केटिंग रिसर्च का. फिर कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, कि कंज्यूमर बिहेवियर के जो पैरामीटर्स है, कंज्यूमर बिहेवियर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं. फिर एक क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और एक मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर भी आपको इस पूरे मॉड्यूल में से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. देयर इज वन मोर पॉइंट विच After reading all this, you can concentrate, that is CRM, Customer Relationship Management. तो Customer Relationship Management के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो आप उस ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसका एक बार ओवरव्यू लेके रखें. मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी लेंदी है, तो वो अपने आप में काफ़ी एक लेंदी यूनिट है, और हर मॉड्यूल से आपको तीन तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ओवरऑल अगर हर मॉड्यूल की बात करें, तो हर मॉड्यूल में हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज दैट विच क्वेश्चंस टू कॉन्सेंट्रेट. तो ये बेसिक चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम मॉड्यूल नंबर सेकेंड की बात करें, तो मॉड्यूल नंबर सेकेंड मार्केटिंग डिसीशंस के ऊपर, दैट इज मार्केटिंग मिक्स, जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है आपका मॉड्यूल नंबर सेकेंड, और एक है आपका मॉड्यूल नंबर थर्ड. तो मॉड्यूल नंबर सेकेंड जो है, उसमें आपको PLC के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. PLC मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो उसके जो स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, वो सब आपको ध्यान में रखना है. द सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ब्रांडिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के जो कंपोनेंट्स है वो ध्यान से पढ़े, या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी, वो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़े. तो ब्रांड इक्विटी और ब्रांडिंग मैंने एक में ही दिया है, तो अकॉर्डिंगली आप ये दोनों पार्ट ब्रांडिंग से रिलेटेड पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो है पैकेजिंग के ऊपर. तो पैकेजिंग के जैसे काफ़ी ईजी है, प्रोडक्ट पैकेजिंग के जो एसेंशियल्स है वो एक बार आप ओवरव्यू लेके रखें, वो काफ़ी ईजी है. या प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग. तो आप प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर, दो में से एक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइसिंग. तो प्राइसिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, प्राइस स्कीमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोप प्राइसिंग, बाकी बहुत सारे, वो आप ध्यान से पढ़े. मॉड्यूल नंबर थ्री की अगर हम बात करें, तो मॉड्यूल नंबर थ्री है मार्केटिंग डिसीशंस के ऊपर. जो हमने 4 P's के बारे में बात किया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो यहाँ पे प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स कवर होते हैं. तो इसमें आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से पढ़ना है. फिर सेकेंड आपको प्रमोशन एंड उसके एलिमेंट्स पढ़ने हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है. तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड एलिमेंट्स,
एंड थर्ड इज कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो आपके सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। सेल्स मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट कवर होगा, इसमें कंपोनेंट्स आएंगे, इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स भी आ सकते हैं। फिर एक पर्सनल सेलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस, पर्सनल सेलिंग के ऊपर ओवरऑल आप इफेक्टिव स्किल्स भी पढ़ के रख सकते हैं, बट इफेक्टिव स्किल्स एक ओवरव्यू लेने के बाद आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं अगर उस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो। तो बेसिकली मेजर क्रक्स को पकड़े कि अगर हम तीन तीन क्वेश्चन हर मॉड्यूल वाइज पूछने वाले हैं तो एक ही कंसेप्ट के ऊपर एग्जामिनर कभी फोकस नहीं करेगा, एग्जामिनर तीन अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ये मॉड्यूल की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, एक क्वेश्चन आपको प्रमोशन के ऊपर आएगा और एक क्वेश्चन आपको पर्सनल सेलिंग के ऊपर आएगा। तो ऐसे तीन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और तीन में से हमें सिर्फ दो ही लिखने हैं। तो अगर हम एक भी ऑप्शन में रख देंगे तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर जो हमने ऑप्शन में रखा है और पेपर में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए इतने क्वेश्चंस के आप ऊपर फोकस करें और उससे रिलेटेड बाकी के भी चीज़ें आप इजीली पेपर में लिख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 4 मार्केट डायमेंशंस को रिलेट करता है। इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज मार्केट लीडर्स के और मार्केट फॉलोअर्स के, वो इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप अगर इस मॉड्यूल में से देखें तो एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मार्केटिंग एथिक्स है, जैसे कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं मार्केटिंग के तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, और एक मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आप ग्रीन और रूरल मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू लेके रखें, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। यूजुअली ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है या फिर रूरल मार्केटिंग। मुझे लग रहा है इस बार ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस फेस बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंस वी आर इन द 21st century, तो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ ब्रांड्स, इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको इस मॉड्यूल के ऊपर फोकस करना है। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।